अरे तुमको साधु बनना है क्या? नहीं चाचा, ये देसी फैशन है। मेरा बचपन का दोस्त पिताजी, वो देखिए। मुखिया का बेटा तुम्हारा कब से दोस्त हो गया? आइए आइए आइए, बैठिए 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 साहब बैठिए। ये देखो गांव का भैंस, और ये लोग गांव के प्योर गरीब किसान हैं। गांव में जिधर देखो उधर धूल मिट्टी दिख रहा है, और इन लोग की हालत देखो सो डर्टी। सब कुछ इधर बदबू कर रहा है, इंसान भी जानवर भी। अरे बस करो यार, कितना मजा लोगे इन गांव वालों का। अबे खड़ा खड़ा देख क्या रहा है, जल्दी से जा भैंस का दूध निकाल करके दे हमें। साहब आप जो दूध मांग रहे हैं वो बदबूदार भैंस देगी, और जो दूध लगाएगा वो भी बदबूदार ही है। फिर वो दूध आप कैसे पियेंगे? वो बदबू नहीं करेगा। जो आप लोग अनाज खाते हैं वो बदबू नहीं करता है। वो अनाज भी तो हमारे जैसे बदबूदार किसान ही पैदा करते हैं। साहब आप जिसे बदबूदार किसान बोल रहे हैं ना, अगर ये बदबूदार किसान ना रहे, आप जैसे शहरी जो सेंट लगा के चमक दमक से रहते हैं वो भूखे मर जाएंगे। दोस्तों आज भी समाज में ऐसे लोग हैं जिनके पास थोड़ा सा पैसा आ जाने पर उन्हें अपने ही लोगों से बदबू आने लगती है।